भाई बिल्कुल है। भाई बंद कर दो, बंद कर दो। कोई नहीं चले। वो देखो भाई कितना स्लिप हो रहा है, हिमालयन है। मैं तो आगे रोक रहा फिर को। चलो हम तो चले आराम आराम से धीमी गति में। फिर हिमालयन तो ऊँचा बाइक है बिल्कुल, कोई चक्कर नहीं। ये गया गया गया। भाई तो निकल गया। गाइस तुम्हारा भाई तो चला, तो भाई करेगा भाई। ओ भाई स्किट हो गया, स्किट हो गया भाई, भाई स्किट तो हो गया। ओ भाई गोल गोल घूम रहा है भाई। गाइस चेक पोस्ट खोल दिया गया है क्योंकि यहाँ तक पहले गाड़ी लगी थी, अभी है नहीं यहाँ कोई भी। यहाँ हो चुकी है हमारी एंट्री, तो अब सीधा निकलते हैं यहाँ से। पहले तो ऊपर टॉप पर जाना होगा, कुंदन टॉप, तो देखते हैं कितनी बर्फ है रोड में। अभी तक हम बोल रहे थे कि यार दो दिन पहले आते तो शायद मनाली होके आते, क्योंकि सुबह ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ से आ नहीं पाएंगे अब। पर अब ऐसा लग रहा है कि हम ठीक टाइमिंग पर आए, कि बर्फ़ भी देखने को मिलेगी हर चीज़, तो अब मज़ा आएगा भाई ऊपर को। तो गाइस अब आपको ज़्यादा व्यू नहीं दिखाएंगे हम, आपको सीधा बर्फ़ के बीच ले आएंगे। और यहाँ से अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई भी शुरू हो गई है। भाई उधर को है भाई आपका कुंजुम पास, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर इतनी बर्फ़ है, वहाँ ऊपर कितनी बर्फ़ होगी। तो भाई के पास है डोमिनार, और ये भी काफ़ी बेस्ट बाइक है टूरिंग के लिए। लगभग 10 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके बाद पहुँचेंगे हम कुंजुम पास। बाइक यहाँ से फिर से थोड़ा थोड़ा सीधा आता हुआ, 4-5-6 यू टर्न लेने के बाद। और भाई वो वाली चोटी देखो क्या गजब लग रही है। तो गाइस अभी थार वाला भाई भी हमारे आगे आके चला है, कैसे मिल चुके हो हमें। और यहाँ पर ऑफ रोडिंग, तो गाइस मैंने तो टायर में हवा भी ज़्यादा भर रखी है, पर अभी दिक्कत दे सकती है ये हवा, ज़्यादा हवा। चलो निकल जाएंगे, वैसे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है रोड में, थोड़ा रोड गीला हो रखा है, मिट्टी है इसमें लाल मिट्टी, तो इस पर अभी तक स्किट हुआ नहीं वैसे बाइक। चलो देखते हैं, अगर लगेगा कि स्किट हो रहा है ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा ख़राब रोड आएगा तो हवा कम कर लेंगे। भाई चारों ओर यहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, ज़्यादा बर्फ़ नहीं, हमने सोचा काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आई है, पर है नहीं यहाँ पर इतनी बर्फ़। भाई ऐसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पास उस टॉप पर है ऊपर, तो भाई निकल गया फिर से आगे। तो ये छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग गाइस, अरविंद भाई तो पहले ही डर गए कि पानी आ जाएगा। तो गाइस बर्फ़ कुछ भी नहीं है, हमें लगा बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो नॉर्मल सी बर्फ़ है बिल्कुल। इससे ज़्यादा तो हम अपने गांव में चलाया है ज़्यादा बर्फ़ में तो। और यहाँ पर रोड बिल्कुल गीला हो रखा है, यहाँ से शायद 2-3 किलोमीटर है कुंजुम पास। बर्फ तो नहीं है, गीला हुआ है सिर्फ रोड, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी तो एकदम बढ़िया रोड है। और ये आ गया भाई व्यू तकड़े वाला, और एक बार पूरा का पूरा बर्फ़ वाला दिख रहा है।
गाइस यहाँ पर फिर से है एक लकड़ी का ब्रिज, मेरे ख्याल से ये रोड। गाइस ये पत्थर है ना, ये तो ऐसा लग रहा था बर्फ का गोला है। गाइस यहाँ पर व्यू चेक करो आप यार, अल्टीमेट व्यू है भाई। रोड पूरा का पूरा गीला है, यहाँ देखो आप बर्फ कितनी है यहाँ पर। ओ गाइस नहीं दे रही उतनी दिक्कत, तो ठीक है सब कुछ। ये ऊपर वाला कहाँ के लिए है? तो गाइस अभी तो ऊपर है, स्टॉप पर है कुंजम पास, जो ये आपको बीच का स्पेस डाउन वाला दिख रहा है यहाँ पर है कुंजम पास। यहाँ पर है गाइस थोड़ा सा खराब रोड, और मेरी जो फुट ब्रेक है वो काफ़ी नीचे हो गई है, अब ऊपर पहुंच के टाइट करनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि बीच में तो नीचे ही टच हो रही हो तो। भाई पूरी ड्रिफ्ट होते हुए, तकड़े वाला ड्रिफ्ट हुआ इधर तो। गाड़ी से आगे चलना था भाई, भाई ये फंस गए भाई। ये देखो गाइस ऑफ रोडिंग। भाई मेरा टायर ने इतना रोल कर रहा है क्योंकि ये पुराना हो चुका है टायर मेरा। भाई साहब गजब है भाई, गजब। हमारी टाइमिंग मैच कर गई भाई बर्फ़ से है भाई, हमारी टाइमिंग मैच कर गई बर्फ़ से। और थोड़ी हमारी हवा भी ज़्यादा है ना, उस कारण से थोड़ा ड्रिफ्टिंग हो रही है। यहाँ भी पानी है भाई, और मेरे को लगता है ना अरविंद भाई, जब हम कुमकुम टॉप से नीचे उतरेंगे ना हवा कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्रेकें भी नहीं लगनी है। और पीछे वाला टायर तो ऐसा ऐसा जा रहा है भाई, कितना घूम रहा है बाइक टायर। भाई व्यू देखो यहाँ का आप यार, भाई देखो चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, अल्टीमेट नज़ारा भाई। और भाई पीछे वाला टायर घूम रहा ना ऐसा कसम से, थोड़ा इधर उधर भी दिखाना पड़ेगा ना भाई जी। कोई चक्कर नहीं, लंबे नहीं दूंगा पढ़ने आपको यार, टेंशन मत लो आप। भाई ये आ गया कुंजम टॉप, बर्फ देखो आप यहाँ पर कितनी है, ठीक ठाक है लगभग आने लायक। ये है मेन टॉप ऊपर वाला, ये है मेन कुंजम टॉप मेन, ये है हाँ। तभी जा रहे सब आगे, तो हम भी आगे। जो सिक्का चिपकाने वाली बात थी ना,
वो यहाँ की है। तो गाइस ये है कुमकुम टॉप, यहाँ तो भाई मक्खन रोड है, यहाँ तो बर्फ भी नहीं थोड़ी भी। भाई साहब यहाँ तो बिल्कुल ओके, पास में बर्फ ज़्यादा, इस साइड को थोड़ा धूप लगती है ना, उस करके यहाँ बर्फ पिघल गई है। पर पारली बेल्ट, पारली मतलब पहाड़वाड़ी पहाड़ में तो भाई बहुत बर्फ है अभी भी। ठीक है यहाँ तो भाई ये है कुमकुम टॉप। तो अरविंद भाई कैसा लग रहा है फिर? मस्त है ना भाई? आँख वाइजर खोल के तो आँखों में लग रही है बर्फ, और चश्मा मेरा गायब हो गया ऑफ रोडिंग में लांगजा वाली। तो गाय यहाँ से सब लोग निकल चुके हैं, वो देख सकते हो पार, हम सब सबसे लास्ट में रह गए हम, क्योंकि हमने थोड़ी हवा निकाली टायर की, मतलब माइन थोड़ी निकाली, बिल्कुल ज़्यादा भी निकाली, क्योंकि यहाँ से उतराई और हमने पहले ही हवा थोड़ी ज़्यादा भर रखी थी जब हम ताबों में थे। तो हम चल पड़े यहाँ से सीधा। गाइस उधर जाना हमने भी, इधर है बर्फ वैसे, यहाँ पर तो है, और मेरे को लगता नहीं यहाँ थोड़ा उस नाला क्रॉस करने के बाद होगी, नाले में तो हो सकती है क्योंकि वहाँ पर धूप कम लगती है, तो वहाँ के बाद तो कम ही होगी। मौसम भी ख़राब हो रहा है वहाँ, देख सकते हो आप उस चोटी पर, देखो वहाँ बैक साइड में कितना मौसम ख़राब हो चुका है, लगता है बर्फ़ भी आ सकती है, बारिश भी आ सकती है, वो देखो आप बिल्कुल अंधेरा हो चुका है वहाँ पर। तो यहाँ देखो पत्थर आए बीच रोड में, तो गाइस वहाँ पर एक बंदे का बाइक तो फंस गया है। नहीं नहीं हम तो जाएंगे भाई जी, पागल है आप यार, यहाँ लगेगा ना पता एक्सपीरियंस का किसमें कितना है दम। गाइस तुम्हारा भाई तो चला, तो भाई करेगा भाई, ओ भाई स्किट हो गया। स्किट हो गया भाई, भाई स्किट तो हो गया। ओ भाई कौन गोल घूम रहा है भाई, और मेरा तो टायर भी बिल्कुल गंजा है। नहीं नहीं एक्सीलेटर नहीं ज़्यादा मारा, वैसे नहीं होता भाई ये, एक मिनट को भाई बिल्कुल है। कोई नहीं चलेगा, वो देखो भाई कितना स्लिप हो रहा है, हिमालयन है। हाँ हाँ तो भाई तो गए पकड़ पकड़ के, और मेरा बंदा उनके साथ चला हुआ, वो देखो मेरे बंदे को मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं तो आगे रोक रहा था इसको। चलो हम तो चले आराम आराम से धीमी गति में, बस हिमालयन तो ऊंचा बाइक है बिल्कुल, कोई चक्कर नहीं।
ये गया गया गया। भाई तो निकल गया, तो थोड़ा पहला जोश जोश में आ गया था ना यार, तो हल्का सा फॉल हो गया था मेरा भी, तो अब ठीक है। तो भाई साहब गजब है भाई, मज़ा आता है ऐसे फिसलने में भी। नहीं ऐसे गिरने का भी भाई अपना मज़ा है। तो है हाँ, यार ब्रेक भी नहीं की मैंने, टाइट है बिल्कुल नीचे हुई। मैंने सोचा था कुंदन टॉप पर ब्रेक टाइट करूँगा, पर ध्यान ही नहीं रहा। तो भाई इधर भी सेम वही सीन है, आप देख सकते हो, बल्कि परली साइड को इतना नहीं था, इस साइड को ज़्यादा है सीन। मेरे ख्याल से इस साइड को ना धूप कम लगती है, उस साइड को ज़्यादा लगती है, तभी यहाँ पर ये हाल है। और ऊपर वाला पॉइंट तो बिल्कुल ब्लैक आइस बना था, वो तो पहले थोड़ा जोश जोश में थोड़ा स्पीड में आ गया ना मैं, उसके बाद तो ठीक आ गया। थोड़ा पीछे बैठो सर, बस जोश। हाय सर, जोश इज ऑलवेज हाई, चाहे गिर जाए चाहे जो मर्जी हो जाए, जोश कम नहीं होता भाई। ये देखो आप, ये देखो आप, थोड़ा ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता यहाँ पर, फिर बोल बोल के भी सांस फूल जाता है। तो गाइस आपको मैं अगर अपने ग्लव्स के हाल दिखाऊँ ना कैसे हो गए हैं, ये देखो गाइस गरीबी देख सकते हो आप हमारी। कोई स्पॉन्सर कर दो भाई ग्लव्स, अगर कोई देख रहा है, कितनी ज़रूरत है हमें ग्लव्स की, और हमारे पास ऐसे ग्लव्स हैं। यहाँ भी है थोड़ा स्लिपरी, आप बैठे रहो आराम से, ठीक है सर, गिर के कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हाँ गिरने से डरना नहीं कभी भी, ठीक है। जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो एक दिन पहले ही मर गया, वो एक दिन पहले ही मर गया। अपना अलग वाला है भाई। तो गाइस यहाँ से देखो रोड, आप नीचे खाई और आगे रोड, और रोड भी ऐसा नहीं है सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा है। गाइस यहाँ पर एक और वाटर क्रॉसिंग, यहाँ देखो पानी चला भाई। और रोड देखो यार, रोड क्या रोड है, बिल्कुल टेढ़े रोड है, और आगे वाले में तो पानी पानी चला है। ये देखो आप, आगे तक पानी चला है इसमें। तो गाइस जो पानी ऊपर से आ रहा था यहाँ निकल रहा है, देखो यहाँ, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखिए आप, पानी सारा का सारा यहाँ इस रोड में चला है। और इसमें सेफ चलना है वैसे, अगर आप बीच में चल के वहाँ स्किट हो सकते हैं आप। और यहाँ पर आ गई छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, गाइस में यही दिक्कत है, अगर पाँव भीग गई ना आपके जूते जुराबे भीग गए तो फिर दिक्कत आती है बहुत। भाई के तो हो गए पैर, सुन मेरा फिलहाल ठीक है, वैसे सुन तो नहीं हो पर भीग तो गए वैसे। यहाँ देखो आप रोड, ये है यहाँ का रोड, और यहाँ पत्थर आ रहे जगह जगह नीचे, देखो बीच में पहले भी काफ़ी पत्थर मिले हमें ऐसे। ये आगे हम चाचा चाची दा ढाबा, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पर हम निकलेंगे अभी सीधा, हमारे पास इतना टाइम नहीं अभी। तो गाइस अभी भी कच्चा ही रोड है, बहुत ही ज़्यादा कच्चा रोड है यहाँ तो। और यहाँ देखो ये नदी कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ पर देखो एक और वाटर क्रॉसिंग। गाइस गाइस गाइस, ये थी लंबी वाली, तीन 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 वाटर क्रॉसिंग थी यहाँ पर। तो भाई तपड़े ही ऑफ रोड इधर तो।
ये कैफे भी है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। बेकार वो होता है जहाँ पर ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो ना, मतलब उछलते रहे, वो सबसे ख़राब रोड होता है। तो गाइस मौसम देख लो एक बार, ऊपर देखो आप, बर्फ़ लग गई है ऊपर चोटियों पर, और पहाड़ भी देखो वहाँ पर भी बर्फ़ लग गई है। तो मौसम हो चुका है ख़राब, तो जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से, क्योंकि कभी भी क्या हो जाए, बारिश भी लगती इधर, तो बारिश लग जाती है वैसे। तो गाइस यहाँ से है खोक्सर 41, छत्रु 17, रोहतांग है 50, और मनाली है 101 किलोमीटर, मतलब 101 किलोमीटर हमने अभी और जाना है। और यहाँ तो गाइस बहुत टाइम से हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं चला था, और अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद दिख रही है यहाँ पर हमें JCB एक। भाई ये आई वाटर क्रॉसिंग, ये तकड़े वाली वाटर क्रॉसिंग भाई, और एक गहरी भी थी। तो ये देखो आप, फुट रेस्ट वगैरह सब कुछ गीला हो गया है। ये है भाई तकड़े वाले रोड भाई, ये बहुत लंबे वाली वाटर क्रॉसिंग, और इसमें बड़े बड़े पत्थर भी है। ये वाला ठीक है थोड़ा। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं छत्रु, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और। ये देखो गुलाब, तो इनका नाम है अरविंद, प्यार से मैंने कहते केजरीवाल, और ये मफलर भी पूरा केजरीवाल वाला डाल रखा है, जैसे केजरीवाल डालता है ना मफलर, सेम वैसा का वैसा। तो अब हम निकल रहे हैं छत्रु से, यहाँ से लगभग रोहतांग पास 30-35 किलोमीटर, और रोहतांग से मनाली 50 किलोमीटर, तो 6 तो बज सकते हैं हमारे, क्योंकि अभी 4 बजने वाले हैं। चलो तो गाइस बहुत ज़्यादा लंबे वाले ऑफ रोड के बाद पहुँच गए हम पक्के रोड में, मतलब ऐसा लग रहा है अब तो भाई जन्नत में पहुंच गया अभी तो। तो गाइस ये रोड जाता आगे वाला आपके अटल टनल के लिए, और हम जा रहे ऊपर रोहतांग पास के लिए। तो भाई इस रोड में थोड़ी थकान हो गई थी कसम से, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था, बहुत ही लंबे वाला ऑफ रोड इसको बोलते हैं। अब आया भाई मक्खन रोड, अब नहीं है दिक्कत, चाहे जितना ले जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं भाई। तो गाइस पहुंचने वाले हम रोहतांग पास, और बर्फ देखो आप कितनी बड़ी है, गाने का इतना मजा है भाई। आप चढ़ाई में चले हैं फिर भी 70 भाग रहा है, वो भी इतने लोड के साथ, वो एकदम मक्खन रोड है भाई। तो गाइस फाइनली रोहतांग पास लगभग पहुंच गए हम, यहाँ से 1 किलोमीटर और है रोहतांग पास। तो पर भाई यहाँ ठंड लग रही है तकड़े वाली है, हाथ भी जाम हो गए हाथ तो भाई है भाई, धूप मिल जाए बस और कुछ नहीं। यही रोहतांग पास क्यों है यहाँ पे कुछ तो पा रहे रोहतांग पास। तो गाइस ये है रोहतांग पास, हवा इतनी खतरनाक चली ना यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक वाली जिसको बोलते हैं, और हाथ की उंगलियां आगे से ऐसी जाम हो गई है खतरनाक। तो गाइस हमने पी लिया यहाँ पर चाय, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा चली है, तो उतना अच्छा डिसीजन नहीं था हमारा रोहतांग पास आने का, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली हवा यहाँ तो। और हमने चाय पी, और हमें तो सस्ते में लगा दी चाय लोकल बंदे समझ के, और 20 रुपये चाय लगाई हमें, 10 रुपये चाय लगाई। तो ये है पूरा का पूरा व्यू रोहतांग पास का, एक बार देख लीजिए आप। तो अब हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से मनाली की ओर, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर पहचान है, 40 नहीं कम होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके बाद मनाली भी है काफ़ी, टोटल 50 किलोमीटर अभी हमारा रन मनाली का। तो गाइस अब आ गए हम थोड़ी लो हाइट में, यहाँ पर पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, अब तो ऊपर तो बिल्कुल सुनसान था। और यहाँ से गुलाबा है अब लगभग 5 किलोमीटर,
भाई ठंड भी हो गया आज, आज लग रही ठंड, पिछले कल भी ठंड नहीं लगी, आज लग रही ठंड तो, क्योंकि आज जूते में पानी चला गया तो जूते भीग चुके हैं पूरी तरह से। एक ही शूज़ है ऐसे ज़्यादा हुआ जो 5 मिनट गुलाबा। तो राइट वाला फिर भी ठीक है मेरा, लेफ्ट वाला हो चुका है बिल्कुल सुन, दोनों का लेफ्ट वाला है क्योंकि लेफ्ट साइड से पानी आया था दो बार में। तो गाइस ये तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था रोहतांग जाने का, आज पहली बार मैं रोहतांग पास आया, तो अगली बार से मैं आऊँगा ही नहीं कभी यहाँ पर ज़िंदगी में, क्योंकि उतना ख़ास नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर रोहतांग पास में, बस ऐसा होता है कि हाँ हम गए हैं वहाँ पर, ये बोलने के लिए हो जाता है थोड़ा, बाकी तो कुछ नहीं है खास। तो गाइस पहुँच गए हम गुलाबा, इधर क्या सीन है, अच्छा यहाँ से ऊपर नहीं छोड़ते तब ऐसा कहते हैं। भाई यहाँ भी चेक पोस्ट है पुलिस वालों की, बस जब बर्फ़ आती है ज़्यादा तो यहाँ से ऊपर निकलते हैं, आप गुलाबा तक आ सकते हो। गाइस पहुँच गए हम परचान, यहाँ से ऊपर वाला रोड जाता है आपके सोलंग नाला और अटल टनल के लिए, और यहाँ से नीचे मनाली के लिए, और यहाँ से करनी पड़ेगी अक्षु को भी कॉल कि आ जाइए ऊपर थोड़ी देर में मनाली, क्योंकि हमने जाना है उसके होटल, तो वहाँ पर फ्रेश वगैरह होके हम जाएँगे फिर बुआ के घर उसकी गाड़ी में। तो गाइस पहुंच गए हम मनाली, 6:30 हो चुका है टाइम, तो लोसर से लगे हमारे यहाँ तक आने में 5.5 घंटे। भाई साहब इतना बेकार रोड था क्या ही बताएं, ऊपर चढ़ना हमें, खेच मुन्ना खेच। ये है मनाली का चौक, अब जाना ऊपर को, तो ये देखिएगा ये है मनाली का चौक, यहाँ से नीचे को आपको लोग घूमते हुए मिलेंगे, मॉल रोड है मनाली का, कॉल करो भाई जी उसको। हडिम्बा माता मंदिर का रोड, तो इसमें है उसका मेरे फ्रेंड का होटल, तो उसके होटल जा रहे हैं अभी। कैसी हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। चंगा वो यार कहाँ से आए अभी? हाँ हाँ आए काम तो सब कुछ बंद है भैया, वो के चाय बना रहे बड़े। हाँ भाई पानी पुनी गर्म है नहाने के लिए, 24 घंटे फिर ठीक है तो नहाने वाले ढूंढ रहे हैं आजकल मिल नहीं रहा। तो गाइस अभी निकले हम गाड़ी में, हमने लाई है अक्षु की गाड़ी यहाँ से, अब हम दो जा रहे हैं अरविंद भाई और मैं बुआ के घर, तो अक्षु तो आया नहीं पहले, उसको भी बोल रहे थे पर वो आया नहीं, तो हम दो ही है फिलहाल। तो और अभी हमने थोड़ा मार्केट जाना है, थोड़ा सामान लेना है वहाँ पर, तो गाड़ी कहीं लगाते हैं साइड में फिर निकलते हैं मार्केट की ओर। ये अरविंद भाई यार ये चप्पल ठीक नहीं है। तो गाइस ये है मनाली का चौक, यहाँ से है मनाली का मॉल रोड आगे को, तो हम पहले गाड़ी लगाते कहीं उसके बाद जाएंगे, हम तो चप्पल में ही आए अभी, तो अभी तो स्टीयरिंग मेरे हाथ में, कहाँ जाएगा तो। चलो मालिक अभी आपके हाथ में है, कोई बात नहीं कल हमारे हाथ में होगा फिर से। बड़ा दुखी किया तुमने कल सर। है दुखी किया? फिर से बोलो तो एक बार, सुन रहे हो भाई क्या कह रहे हैं बंदे। तो गाइस हम पहुंच रहे हैं मनाली चौक, और हम दोनों भाई चले हैं चप्पल में, ये देखो आप। तो अभी हम जा रहे कुछ सामान लेने, अभी जाना हमने बुआ के घर, तो कुछ सामान लेना है वहाँ के लिए। तो गाइस ये है मनाली का मॉल रोड, और रात को तो और भी गजब लगता है।
फिर अरविंद भाई बहुत जोश, अभी तो ठीक है ना सब कुछ, नहा धो के बढ़िया हो गया ना फ्रेश, अभी ठंड नहीं खत्म हो रही है।